एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव, और मैं हूँ प्रीति। तो आज का वीडियो है पिम्पल्स के लिए। पिम्पल्स के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आती रहती थी मुझे। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो शूट करके रखा था, बट मुझे लगा मैंने शायद उसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, दैट्स व्हाई मैं रीशूट कर रही हूँ ये वीडियो जो कि पिम्पल्स के लिए है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टाइप के पिम्पल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। पिम्पल या एक्ने कभी भी एक तरीके का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाए कि हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं हो सकता। डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों का डिफरेंट डिफरेंट इलाज होता है, ठीक वैसे ही डिफरेंट टाइप के पिंपल्स या एक्ने अगर आपको होते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट होता है, और अगर एग्जैक्ट रेमेडी के साथ में ट्रीट करें तो वो जरूर जल्दी ठीक होगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अभी शेयर कर दें आप उनके साथ में जिन्हें पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है और जो अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें लाइक करने के साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिंपल्स होते क्यों हैं। बहुत ही जनरल चीज है, पिंपल होने के कुछ रीजंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपकी लाइफस्टाइल, सेकंड होता है आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, थर्ड होता है इन्फेक्शन, कई बार इन्फेक्शन की वजह से जो पिंपल्स है वो हो जाते हैं, फोर्थ होता है क्लॉग्ड पोर्स, कभी आपके पोर्स क्लॉग हो गए, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाए, उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। हार्मोनल चेंजेस सबसे बड़ा रीजन होता है पिंपल होने का। मुझे बहुत सारी मदर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा 13 इयर्स का है या 14 इयर्स की है हमारी बेटी, तो उसको बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, तो क्या करें। तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे ना, वो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जो टीन एज वाली एज होती है जब पिंपल्स बहुत ज्यादा होती हैं। बस एक पर्टिकुलर स्किन केयर रूटीन अपने बच्चे के लिए आप रख लें और वही फॉलो करें, जरूर स्किन ठीक होगी, और ये वीडियो में भी शायद आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो ये हमने देख ली रीजंस कि क्या रीजंस हो सकते हैं पिंपल्स के लिए। अब हम धीरे धीरे वन बाय वन टाइप ऑफ पिंपल्स डिस्कस करते हैं और उन्हें ट्रीट करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टिक पिंपल, जो सिस्ट के फॉर्म में होता है। वो कैसा होता है, कड़क कड़क से पिंपल्स होते हैं कुछ लोगों को, और कोई जरूरी नहीं है ये फेस में ही होते हैं, कई बार नेक पे हो जाते हैं, बैक एरिया पे हो जाते हैं, हैंड्स पर हो जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं। मुझे वैसे बहुत कमेंट्स आते हैं कि बैक में पिंपल हो गया है एंड ऑल, तो ये जो सिस्टिक पिंपल्स होते हैं ये कहीं भी हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं। मुझे अक्सर ये फोरहेड पर सिस्टिक पिंपल्स होते हैं, बहुत कम मुझे दूसरे टाइप के पिंपल्स होते हैं, ज़्यादातर मुझे सिस्ट वाले पिंपल्स ही होते हैं जो कि सिस्ट के फॉर्म में, पत्थर थोड़े हार्ड होते हैं टच करने में। तो ऐसे पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इसमें ठंडी मसाज की जाए। एक बर्फ को आप एक कॉटन के कपड़े पे लपेट लें और फिर उससे जो आपका सिस्टिक पिंपल है या सिस्ट वाला पिंपल है उस पर इस तरीके से मसाज करें। इससे क्या होता है, जो आपका सिस्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, जो पेन रहता है उसकी वजह से वो पेन भी बहुत हद तक कम होता है, और ये जो ठंडक कूलनेस होती है ये उस पिंपल को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी जो कि सिस्टिक पिंपल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है वो होती है टर्मरिक प्लस कोकोनट ऑयल। टर्मरिक के साथ में यानी हल्दी के साथ में आप कोकोनट ऑयल मिला दें, और अपना जो भी आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं वो स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद में ये जो आपने पेस्ट बनाया है हल्दी और कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल का, उसे मिक्स करके जहाँ भी आपको सिस्टिक पिंपल्स हुए हैं वहाँ रख दें। आप इसे आधे घंटे रख सकते हैं, एक घंटे रख सकते हैं, इवन आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो पेन ठीक करती है, और पेन ठीक करने के साथ साथ जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, उसे भी कम करती है, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से बहुत ही जल्दी हील करती है आपके पिंपल को, और एट द सेम पॉइंट कोकोनट ऑयल भी पिंपल्स को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया सिस्ट पिंपल। वो होते हैं पस वाले पिंपल, जिसे कि पस्टूल्स भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पिंपल्स होते हैं जिनमें ऊपर येलो येलो सा पस आ जाता है, मतलब नीचे पिंपल रहता है और ऊपर येलो येलो सा पॉइंट दिखता है, वो एक्चुअली में होता है पस, और ये बहुत पेनफुल होता है। सिस्टिक पिंपल को हमने दी थी ठंडी मसाज, लेकिन जब अगर आपको पस्टूल्स हुए हैं, पस वाले पिंपल होते हैं, तो उसके लिए आपको गर्म मसाज देनी होती है उसे। तो आप क्या करें, गर्म पानी में अपने जो हैंकी या कॉटन या फिर टॉवल को डिप करके
ये जो आपको पस्ट्यूल हुआ है उसे आप उसको सेकें, मतलब यहाँ पर आपको अपने पिंपल को गर्म मसाज देना है, ठंडी मसाज नहीं देना है। गर्म मसाज देने से क्या होता है, जो पस होता है वो बहुत जल्दी से ठीक होता है। लाइक देखिए, अगर आपको पस वाले पिंपल हो गए तो बहुत जरूरी है उसका जल्दी से सूखना, नहीं तो वो फूट जाता है और इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर आप उसे गर्म मसाज देंगे तो वो प्रोसेस जो है उसे तेजी से आगे बढ़ाएगा और जल्दी से ही जो आपकी पस होगा वो कील में, छोटा सा व्हाइट कलर की कील कहलाती है वो, उसमें बदल जाता है और वो अपने आप निकल जाता है। बिल्कुल भी गलती ना करें उसे फोड़ने की या अपने हाथों से निकालने की, नहीं तो आपको दाग हो सकते हैं या इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है। तो पस्ट्यूल्स को ठीक करने के लिए आपको देना है उसे गर्म मसाज। और इस टाइप के जो पिंपल होते हैं इन्हें ट्रीट करने की जो सबसे अच्छी रेमेडी होती है वो होती है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल को आप सेम अमाउंट के वाटर, लाइक अगर आपने एक चम्मच टी ट्री ऑयल लिया तो एक चम्मच ही पानी मिलाएं आप और मिला करके एक कंटेनर में रख दें। और हमेशा अपना स्किन केयर रूटीन करने के बाद में ये जो आपने टी ट्री ऑयल का सोल्यूशन बनाकर रखा है इसको आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर लें अपने पिंपल के ऊपर। टी ट्री ऑयल भी एंटीसेप्टिक होता है, तो कभी गलती से कहीं आपके ये जो पस्ट्यूल्स है ये फूट जाते हैं तो वो पूरा जो इन्फेक्शन होता है वो आपके स्किन में नहीं फैलने देता है। तो टी ट्री ऑयल इस तरीके के पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो पस्ट्यूल्स होते हैं इस पर आप हनी भी लगा सकते हैं, हनी भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जो थर्ड टाइप के पिंपल या एक्ने की हम बात करने वाले हैं, ये उस टाइप के होते हैं जो पूरे रेड दिखते हैं और कई बार बहुत सारे हो जाते हैं, छोटे 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 से, उन्हें हम नोड्यूल्स भी कहते हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और कम्प्लीटली रेड होते हैं, ये कहलाते हैं नोड्यूल्स। और नोड्यूल्स को ठीक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का टोनर बनाना मैंने पहले भी बताया है मेरे एक वीडियो में, उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वो वीडियो जरूर देखना। जो नोड्यूल्स वाली प्रॉब्लम होती है, जो छोटे 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 बहुत सारे ढेर सारे एक्ने होते हैं, उसे ठीक करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस की थ्री टाइप्स के पिंपल और यही तीन पिंपल टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये कुछ रेमेडीज़ तो मैंने आपको बताई, इसके अलावा कुछ और होम रेमेडीज़ होती हैं जो पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। जैसे कुछ मैं आपको यहाँ बता दूँ, मुल्तानी मिट्टी, नीम पाउडर, तुलसी पाउडर, कोकोनट ऑयल, हनी, ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं आपके पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, मिक्स एंड मैच करके, कभी पानी के साथ सॉल्यूशन बना के, कभी रोज़ वाटर के साथ सॉल्यूशन बना के, कभी कोकोनट ऑयल या सेसमे सीड ऑयल के साथ में इसका मिक्सचर बना के अपने फेस पर लगा सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस पर आप फेस पैक लगाएं, सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करिए, वो सबसे इजी होता है और सबसे इफेक्टिव होता है। स्पॉट ट्रीटमेंट क्या होता है, अपने चेहरे को वॉश करके जो भी आप नॉर्मल नाइट टाइम रूटीन करते हैं या डे टाइम रूटीन करते हैं वो कर लीजिए। आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, काम करते करते ही आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी मैंने अभी इसके पहले आपको पैक्स बताए वो आप बनाइए और जहाँ भी आपको पिंपल या जो भी स्किन प्रॉब्लम है वहाँ बस लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। स्पॉट, ये कहलाता है स्पॉट ट्रीटमेंट। बहुत इजी होता है स्पॉट ट्रीटमेंट करना, बहुत कन्वीनियंट होता है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। मेरा फेवरेट जो स्पॉट ट्रीटमेंट है किसी भी तरीके के पिंपल्स को ठीक करने के लिए वो है शहद में मैं थोड़ी सी हल्दी मिलाती हूँ और उसे मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा के रात भर के लिए सो जाती हूँ। इससे मेरे पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं और हल्दी यूज़ करने की वजह से जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो डार्क स्पॉट्स भी नहीं होते। आपको मेरे स्किन पर बहुत कम डार्क स्पॉट्स दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे पिंपल्स नहीं होते, मुझे इस एरिया में कभी कभी पिंपल्स होते हैं बट डार्क कभी नहीं रहता क्योंकि मैं ये जो शहद और हल्दी वाली रेमेडी है ये हमेशा यूज करती हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए पिंपल्स से बचने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, सभी बोलते होंगे आपको। सेकेंड थिंग, आपको एक अच्छा क्लिंजर यूज़ करना चाहिए, यानी जो फेस वॉश होता है वो अच्छा यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली आपका जो पूरा स्किन केयर रूटीन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फेस वॉश, क्योंकि ये फेस वॉश ने अगर अपना काम अच्छे से नहीं किया, अच्छे से आपके फेस को क्लीन नहीं किया, तो उसके बाद के कोई भी स्टेप किसी काम के नहीं होते। क्योंकि अगर आपका स्किन गंदा रह गया तो उसके बाद आप भले ही जो भी लगा लें
वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए एक अच्छा फेस वॉश जरूर लगाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूंगी जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है पिंपल वालों को यूज करना चाहिए या स्किन प्रॉब्लम जिनको एक्ने वगैरह होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए, तो आप वो लिंक्स देख लेना, मे बी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ फेस वॉशेज मैंने नीचे सजेस्ट कर दिए हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, चाहे एप्पल साइडर विनेगर हो या कोकोनट ऑयल हो, सारी चीज़ों की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो। इसके अलावा जब आप मॉइस्चराइजर सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑयलीनेस की वजह से, स्टिकीनेस की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। तो कुछ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड लास्टली, जो चीज़ मैंने वीडियो के बीच में भी बोली थी कि कभी भी आप अपने पिंपल्स को टच मत करिए, उन्हें पोक मत करिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। जो ट्रीटमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो ट्रीटमेंट्स फॉलो करिए, बार बार उसे पोक ना करें। सो यहाँ फिनिश होता है ये वीडियो जो कि पिंपल्स से रिलेटेड था, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और खूब सारा शेयर भी ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड बहुत सारे DIYs पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, आपको बहुत सारे DIYs और मिलने वाले हैं। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।